Digital marketing strategy for hair and skin clinics. In this video, I'm going to show you the practical and the easiest way to generate high quality leads for your hair and skin clinic. In this video, I'm going to show you the complete practical way, the exact way how I generate high quality leads for my client, right? So, सबसे पहले हम start करते हैं through business model. हम practically समझते हुए चलेंगे, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काम करना है, कैसे हमें एक एक चीज को समझ करके उसको फिक्स करना है. सबसे पहले हम इस थोड़े बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, राइट. अब बिजनेस मॉडल में क्या होता है, जितने भी हेयर और स्किन क्लिनिक्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपके हेयर PRP, ट्रांसप्लांट, हाइड्राफेशियल या फिर आपके बाकी और अदर तरीके के फेशियल्स, डर्मा ट्रीटमेंट्स, आपके एक्ने, ये सारे मतलब अलग अलग तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन के, हेयर के रिलेटेड, ये सारे प्रमोट करते हैं. कुछ लोग लिपोसक्शन या फिर बटॉक्स, फिलर्स, स्लिमिंग रिलेटेड ये सारे ट्रीटमेंट्स अपने क्लिनिक में प्रमोट करते हैं. बेसिकली अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट हैं जो नॉर्मली स्किन क्लिनिक्स प्रमोट करते हैं. इसमें आपको एक चीज़ को और समझनी है, ट्रीज टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर दीज लग्जरी ट्रीटमेंट्स ऑल्सो दे कैन अफोर्ड इट. हम वैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हम ऐसे लोगों को टारगेट कर लेते हैं जिनको स्किन ट्रीटमेंट्स में इंटरेस्ट हो, स्किन में इंटरेस्ट हो, या फिर फेसबुक में ऐसे ऐसे इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं जहाँ से हमें बहुत भर भर के लीड्स आने लगती हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लीड्स किसी काम की नहीं होती हैं, बिकॉज पीपल हु हैव फिल्ड द फॉर्म दे कांट अफोर्ड इट, और वो आ नहीं सकते हैं आपके क्लिनिक पे. बस वो फ़ोन पे बात करेंगे आपसे कि हाँ ये ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए, इसके लिए कौन से होम रेमेडी यूज़ कर लूँ. मैक्सिमम जो स्किन क्लिनिक्स हैं वो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको लीड्स आती हैं, भर भर के लीड्स आती हैं, किसी को लीड की कमी नहीं है, बट दी क्वालिटी ऑफ लीड इज़ वेरी लो, और मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही मतलब ख़राब लीड्स आती हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जितने मेरी क्लिनिक ओनर से बात होती है उनकी बस एक ही प्रॉब्लम होती है, लीड आती हैं बट कोई क्लिनिक नहीं विजिट करता है. आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो ऐसे बेसिकली लग्जरी ट्रीटमेंट्स हुए ना, यहाँ पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो शायद वो ट्रीटमेंट्स ना कराए, और आप खुद को अगर इन्हेंस करने के लिए, राइट, बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद कराएं. तो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपकी प्रीमियम सर्विस को अफोर्ड भी कर सकें, उनको इंटरेस्ट भी हो, तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है. तो बिजनेस मॉडल में समझ गए होंगे आप कि अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं और आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो इन ट्रीटमेंट्स करवाना भी चाहती है, उसको नीड भी हो और वो स्पेंड भी कर सके, पैसे भी खर्च कर सके, क्लिनिक भी आ सके, ठीक है. तो आपको दो चार चीज़ें देखनी है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर से टारगेट कर लिया, 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, शायद उसके अगल बगल बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिनिक्स होंगे, तो वो इतनी दूर क्यों चल के आएगा, आपके पास वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करके क्यों आएगा. तो आपको देखना है कि आपके लोकेशन के आसपास से लोग आने ही चाहिए, ठीक है. तो इस बिजनेस मॉडल में हम ये चीज़ समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारी सर्विस कौन है. इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग एजेंसी ओनर्स भी हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी हैं जो ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, वो मुझसे कंसल्ट करते हैं कि आखिर इनके एड्स रन कैसे करने, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. एड रिजेक्शंस, एड्स इतने रिजेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी आप एड लॉन्च करोगे अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो और आपने वेबसाइट पर एड चलाने शुरू कर दिए, 99% टाइम्स आप एड नहीं रन कर पाओगे. आपके ऐड शायद अगर रन हो भी गए तो वो एक दो दिन बाद रिजेक्ट हो जाएंगे. मैं बताता हूँ उसके पीछे रीज़न. बोटॉक्स, फिलर्स, PRP पे आप ऐड नहीं चला सकते हो. आप जैसे ही गूगल पे चलाओगे आपके ऐड डिसअप्रूव हो जाएंगे और वो एड्स रन नहीं होंगे. तो आपको ये ध्यान देना है, हम में से बहुत सारे लोग बोटॉक्स, फिलर्स, PRP के एड्स फेसबुक पे चलाते हैं, उसमें हम दिखाते हैं नीडल से इंजेक्ट करते हुए सारी चीज़ें. आप ऐसे एड्स रन करोगे फेसबुक पे, एड्स आपके रिजेक्ट हो जाने वाले हैं. आप कुछ और चीज़ उसमें दिखाने की कोशिश करो, शायद आपको लीड्स रिलेवेंट आए. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपके और किसी तरीके की स्किन के एड्स चल भी जाते हैं तो उस पर इस तरह की कुछ मेडिकल पॉलिसी आ जाएंगी गूगल की, जिसकी वजह से शायद आपका एड्स रीच ना जा पाए, मतलब आपकी ऑडियंस की, आपके एड्स की रीच ना जा पाए सही ऑडियंस तक, जहां तक आपके
एड्स की रीच जानी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों को खास ध्यान देना है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैसे सॉल्व होंगी, इसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा सारी चीज़ों का कि कैसे होने वाला है। इसमें आपको दो डोमेन्स चाहिए, एक तो आपको अपनी प्रॉपर वेबसाइट सेटअप करनी है जिस पर आप SEO कर सको, क्योंकि देखो बोटॉक्स फिलर्स पे तो आप ऐड चला नहीं सकते हो, तो ऐसा तो है नहीं इसके लिए आप लीड्स नहीं जनरेट करोगे, इसके लिए आप क्लाइंट्स नहीं ढूंढोगे, आपको ढूंढने सारी चीज़ें करनी है। तो आपको एक प्रॉपर मेन डोमेन चाहिए जिस पे आप प्रॉपर कंटेंट डालोगे, सारी चीज़ें करोगे, ताकि आप SEO के थ्रू लीड्स जनरेट करो। और इसमें SEO के थ्रू बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें फोटोज और वीडियोज़ अच्छे डालें, कीवर्ड्स बढ़िया डालें, टेक्निकल SEO आपका अच्छा है, तो आपको SEO के थ्रू बहुत हाई क्वालिटी लीड्स आएंगी। दूसरा आपको एक डोमेन और चाहिए, अब इसके लिए आप सब डोमेन भी बना सकते हो, आपका कोई भी क्लिनिक है तो आप ऐसे बना सकते हो xyzclinic.com, या फिर आप नया डोमेन खरीद सकते हो .co.in ऐसे करके कुछ भी। तो आपको एक दूसरा डोमेन चाहिए जहाँ पे आप एक लैंडिंग पेज बनाओगे एड्स के लिए, और एक आपको मेन डोमेन चाहिए जहाँ पर आपकी वेबसाइट होगी जहाँ पर आप SEO करोगे। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक दो या तीन चीज़ें हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करनी है। आप अगर किसी क्लिनिक के ओनर के साथ बैठोगे तो वो कहेगा स्लिमिंग के लिए भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको फेशियल्स के लिए भी चाहिए, मेडिफेशियल्स जो होते हैं उसको, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी चाहिए, बियर्ड PRP और इन सब चीज़ों के लिए भी उसको लीड जनरेशन चाहिए। आपको समझना है सारी चीज़ें एक साथ प्रमोट नहीं हो सकती हैं, अगर करोगे भी तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट बर्न होगा स्टार्टिंग में। तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को आप एक साथ प्रमोट करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगा। ऐसे 3 से 4 या top 5 ट्रीटमेंट्स उठाओ और आप पहले उसके साथ आगे बढ़ो, उसको पहले स्टेबल बनाओ और उसमें से देखो सबसे अच्छे कौन से चल रहे हैं, और फिर आप आगे आगे करके एड ऑन करो। लास्ट एक प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है इस इंडस्ट्री में, बेसिकली जो कंपटीशन है कट थ्रोट होता जा रहा है। मतलब जिस सिटी में मैं हूँ लखनऊ में, पिछले 3-4 साल पहले बहुत कम क्लिनिक्स थे, पिछले 2-3 साल में हाई एंड लग्जरी क्लिनिक्स काफ़ी अच्छे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे ओपन होते जा रहे हैं। मतलब शायद 5 से 6 क्लिनिक ओपन हो चुके होंगे पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और अभी पता नहीं कितने ओपन हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं, छोटे क्लिनिक बड़े क्लिनिक्स होते जा रहे हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, और ये सिर्फ इधर नहीं है, मैं ऑलमोस्ट इस तरह के क्लिनिक्स के साथ पूरे इंडिया में काम कर रहा हूँ इस टाइम, चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद, बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, इन सारी सिटीज़ में अभी एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ, और सब क्लाइंट से मुझे यही फीडबैक मिलता है कि हर जगह कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ है, आपको सारी चीज़ों को फोकस करना है, जल्दी ही आपको अपने एड्स पर बहुत अग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में अच्छी खासी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो। अभी हमने 2 चीज़ पे बात कर ली है, बिजनेस मॉडल और प्रॉब्लम्स पे, अब हम आज बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रैटजी पे। स्ट्रैटजी में हम एक एक चीज़ को समझेंगे, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स को प्रॉपर दोनों चीज़ में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को कर सको, कैंपेन चला सको, अपने क्लिनिक को आप ग्रो कर सको। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको एक हाई क्वालिटी लैंडिंग पेज चाहिए, हाई क्वालिटी लैंडिंग पेज जहां पर आप अपने ट्रीटमेंट्स के फोटोज और वीडियोस को डिस्प्ले करोगे। मतलब पहले आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए, लैंडिंग पेज का आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देता हूं, कैसा आपका एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। आपका टॉप ऑफ द फॉर्म होगा, मतलब पहले आपके जैसे ही स्क्रीन ओपन होगी आपका एक लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म आएगा, राइट हैंड साइड में आप कुछ टेक्स्ट दे सकते हो, या फिर आप एक क्लिनिक की इमेज भी दे सकते हो बैकग्राउंड में, उसके ऊपर आप टेक्स्ट दे सकते हो। नीचे का सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको अपनी सर्विसेज डिस्प्ले करनी है। सर्विसेज में ध्यान रहे, लैंडिंग पेज में आपको बोटॉक्स फिलर्स PRP जैसे वर्ड्स मत यूज़ करिएगा, वरना एड्स आप कभी नहीं चलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारा एड्स चला के, बहुत सारा पैसा बर्न करके, बहुत सारे लोगों को रिस्पांस देके, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करके इन सब चीज़ों को सीखा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया आपके एड्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बोटॉक्स फिलर्स PRP इन सब तरह के वर्ड्स मेंशन नहीं करने लैंडिंग पेज पे। आपको कोई भी ऐसी फोटो नहीं लगानी जहाँ पे आप नीडल, कोई सर्जरी ऐसी चीज होते हुए आप दिखा रहे हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है, उसको सब आप हटा दो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, नीचे आपको ट्रीटमेंट मेंशन करने, उसके नीचे आप एक अबाउट अस, मतलब आप डॉक्टर के बारे में, क्लिनिक के बारे में दिखा सकते हैं। सजेस्ट करूंगा अगर आप एक वीडियो बना सकते हैं अपने क्लिनिक टूर का, आप अपने डॉक्टर्स की टीम का एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप ऐसे समझो, आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो कि मैंने देखा ऑनलाइन और मैंने ऐड टू कार्ट किया, मेरे घर पे आ गया, मुझको आपकी क्लिनिक लगाना है, मैं
आप मुझको अपने क्लिनिक में बुला रहे हो, मैं कैसे आऊँगा? बस खाली ट्रीटमेंट देख के, खाली आप 50% 40% ऑफर दे रहे हो, उसमें क्या नया है? ऐसा तो बहुत सारे लोग देते हैं। आपका क्लिनिक, आपकी लोकेशन शायद आपकी USP है, जो आपके डॉक्टर्स, जो आपका टीम मेंबर है, आपका स्टाफ है, वो शायद आपकी एक USP है। आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, दिखाना है। मैं उसको देखूंगा तो मुझे एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, शायद बाकी की वेबसाइट्स में इतना मुझे एक वहाँ का एक्सपीरियंस ना मिले, बट अगर मैंने देखा कि क्लिनिक बहुत अच्छा लग रहा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, ट्रेंड है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जाने के लिए। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो लगाना है, नहीं तो फोटोज़ आप कराउजल के फॉर्मेट में लगा सकते हैं। नीचे आप टीम मेंबर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, अलग अलग उनके बारे में डिटेल बता सकते हैं। और आपने कुछ क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप टेक्स्ट टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट लिखने के बजाय वहाँ पे सिंपल वेबसाइट पे, अगर आपके गूगल में बिजनेस पे टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं तो आप उसको फोन में ओपन करिए, उसके छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और वो लगाइए। देखिए क्या होगा कि अगर मैं नॉर्मल टेस्टिमोनियल पढ़ूंगा, आप मेरे वेबसाइट पे आके पढ़ोगे, आपको ये फील आ गया यार तो उन्होंने खुद लिखे होंगे, बट जब गूगल के टेस्टिमोनियल से आप देखोगे वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा ये तो गूगल में बिजनेस का है, आपको वो इमेज याद होगी, रिकॉल हो जाएगी, वहाँ से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको गूगल में बिजनेस पे जिन लोगों ने आपके टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं, रिव्यूज़ डाले हैं, जो आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, उनके आप स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपने लैंडिंग पेज पे नीचे लगा सकते हो। तो आपको एक ऐसा हाई क्वालिटी लैंडिंग पेज चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, बड़ी सी वेबसाइट, सारा कंटेंट, और उस पर ऐड चलाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो ऐड चल ही नहीं रहे। ऐसे नहीं चलेंगे, मैंने जो आपको तरीका बताया इसको आप फॉलो करोगे, 101% एड्स आपके रन होंगे ही होंगे, राइट? आपको बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा पेड एड्स में। मतलब पेड एड्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, आपकी रीच जानी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, डे वन से इस पर शुरू कर देते हैं। हमने क्लिनिक स्टार्ट नहीं किया, हम चाहते हैं हमारे पास पेशेंट्स आएँ, बट हम ब्रांडिंग फोकस कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रील्स जाएँ, हमारे फोटोज़ जाएँ, हमारा हर महीने एक पोस्ट, हर हफ्ते एक पोस्ट होता रहे, रील जाती रहे, SEO होता रहे, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग। देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट आप इंस्टेंट रीच कैसे करोगे? आप ऐड चलाओगे आज, आप सेकेंड डे से आप ऑडियंस के सामने हो, ऑडियंस आपको देख रही है, आप तक रीच आउट कर सकती है। आज आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, SEO कर रहे हो, आप 5 महीने 6 महीने बाद जाओगे तब तक कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक पोस्ट की रीच कितनी है? आप अगर बहुत हाई क्वालिटी रील और एंगेजिंग रील बना रहे हो तो शायद आपका रीच जाए, अगर आप नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हो तो शायद उसकी रीच नहीं जा रही है। सबसे पहले आपको फोकस करना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, आपको गूगल एड, फेसबुक एड्स पे ध्यान देना है लीड जनरेट करने के लिए, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप देना ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर आपके पास इनफ बजट है, आप एलोकेट कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अलग बजट आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स को दे दीजिए, और एक सेपरेट एड बजट या सेपरेट बजट आप ब्रांडिंग के लिए दीजिए, जहाँ पे आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको 5-6 महीने बाद भी अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपके लिए ओके है, बट डे वन से अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और आपको इस पर बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। अगर आप हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटी में हैं, बेंगलोर जैसी सिटी में हैं, तो आपको महीने का 50,000 से 60,000 का एड बजट एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, तब शायद आप कम्पीट कर पाओ और अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर पाओ। देखो बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे 20,000 25,000 भी बहुत है, 30,000 भी बहुत है, तो चलाने के लिए ऐड में तो आप 100 रुपये 200 रुपये भी डालोगे तो ऐड चल जाएंगे, उसकी बात नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स के लिए यू नीड एटलीस्ट 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ टू गेट क्वालिटी रिजल्ट्स या क्वालिटी लीड्स, ठीक है? लास्ट वन इज, आपको एक अच्छा सेल्स का स्टाफ चाहिए। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, अपने रिसेप्शन वाले बंदे को दे देते हैं, रिसेप्शन में जो भी उनके हैं उसको दे देते हैं, वो सिंपली बात करते हैं आपको आना है क्लिनिक पर नहीं आना है, फॉलो अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी आ जा रही है, कॉल हम परसों कर रहे हैं। तो पहली चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपको कॉल एड्स चलाने की, ज़्यादातर कॉल्स आपके पास आए, ठीक है? या आप व्हाट्सएप एड्स भी चला सकते हो, इसको भी हम फेसबुक वाले पार्ट में बात करेंगे, व्हाट्सएप एड्स कैसे चलाना है। पहले तो आपको कॉल या व्हाट्सएप एड्स पर फोकस करना है, बाकी अगर आपके पास लीड भी आ रही है, लोग फॉर्म फिलअप्स भी कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएट उनको कॉल करना है, आपको तुरंत कॉल करना है। कोशिश करिए मैक्सिमम उनको आधे घंटे के अंदर कॉल करके और डन कर दीजिए। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए सेल्स का, आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके लीड्स पे प्रॉपर बात कर सके, उनको समझा सके और उनको कन्वर्ट कर सके। सिर्फ बात करके रिक्वायरमेंट नोट कर लेना और अपनी चीज़ों को बता देने को सेल्स
नहीं कहते हैं। आपको एक सेल्स के लिए ट्रेंड प्रॉपर बंदा चाहिए जो अपने ट्रीटमेंट्स को भी अच्छे से जानता हो, अपने ऑफर्स को भी अच्छे से जानता हो और क्लाइंट्स के साथ बात करके अच्छे से उसको कन्वर्ट भी कर सके। तो आपको एक इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम बात करते हैं अपने एड्स पे। देखो सिंपल है, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आपको चलाने हैं। गूगल में आप सर्च एड्स चलाओगे। अब सर्च ऐड आपको नहीं पता कैसे चलाया जाता है, मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा एक वीडियो है हेयर ट्रांसप्लांट पे कैसे गूगल सर्च ऐड सेटअप कर सकते हैं, ये आप इसको जाके देख सकते हो। और भी मेरे वीडियो मिल जाएंगे आपको स्किन क्लिनिक्स पे, जहाँ मैंने प्रैक्टिकल सिखाया है कि कैसे काम करना है सोशल मीडिया पे, कैसे काम करना है फेसबुक एड्स पे। तो वो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उसको देख सकते हो। तो आपको गूगल पे सर्च कैंपेन बनाना है। ध्यान रहे, आपको सर्विस वाइज एड ग्रुप बनाने हैं। मतलब अगर आपने एक सर्विस बनाई स्किन ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर एक आपको जनरल स्किन ट्रीटमेंट का एड ग्रुप, दूसरा आपका एड ग्रुप आ जाएगा जिसमें आप मेडिफेशियल्स की बात कर रहे हो, तीसरा आपका एड ग्रुप आ गया जिसमें आप लेजर हेयर रिमूवल्स के कीवर्ड्स डाल सक दो। तो इस तरह से आपको एड ग्रुप बनाना है। आप अलग अलग कैंपेन भी बना सकते हो, बट मैं आपसे कहूँगा जो बड़ी सर्विसेज उन्हीं का बनाओ। स्किन का एक अलग बना सकते हो, लेजर हेयर रिमूवल का अलग बना सकते हो, हेयर ट्रांसप्लांट का एक अलग बना सकते हो, और इस तरह से आप कीवर्ड्स अलग अलग कैंपेन में क्लब कर सकते हो। आपको सर्विस रिलेटेड लॉन्ग टेल या मीडियम टेल कीवर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टेल या मीडियम टेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कीवर्ड्स आपके एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच में होने चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच को। एग्जैक्ट मैच बेसिकली आपका ये टाइप हुआ जहाँ पर आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपका स्किन क्लीनिंग नियर मी है, तो एग्जैक्टली जब कोई यही सर्च करेगा तभी आपका एड ऊपर आएगा। अगर दोनों साइड फ्रेज मैच में है तो आपको हो सकता है कि अगर कोई स्किन क्लीनिक नियर मी चंडीगढ़ लिख रहा है या बेस्ट स्किन क्लिनिक नियर मी, तो तब भी आपका ऐड ऊपर आएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई टर्म एड ऑन हो रहा है तब भी आपका ऐड ऊपर आएगा। तो आपको ज़्यादातर कोशिश करने हैं आपको फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड्स रखने हैं। लॉन्ग टेल मीडियम टेल का मतलब हो गया स्किन क्लिनिक नियर मी, आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। हेयर ट्रीटमेंट वो आपका शायद मीडियम टेल या शॉर्ट टेल कीवर्ड हुआ। हेयर ट्रीटमेंट क्लिनिक्स नियर मी आपका ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ। मतलब आपको ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जो आपका कंप्लीट एक इंटेंट बना रहे हो, जिसमें कोई मीनिंग आ रही हो, और वो आपको फ्रेज मैच में करने हैं। अगर आप बहुत छोटे कीवर्ड जैसे हेयर ट्रीटमेंट और उसको आप बिना किसी एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच नॉर्मल आप उसको ब्रॉड मैच में ऐसे ही डाल देते हो, बहुत ज़्यादा जंक आने वाला है। अब हेयर ट्रीटमेंट पर अगर कोई ऑयल भी सर्च कर रहा है, कुछ भी सर्च कर रहा है, वो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्लिनिक वाला ट्रीटमेंट नहीं सर्च कर रहा है, वो होम रेमेडी ढूंढ रहा है, तभी आपका ऐड ऊपर आएगा, आपका ऐड बजट वेस्ट होगा। आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपने लैंडिंग पेज पर ऑफर्स प्रमोट करने हैं। हर ट्रीटमेंट के नीचे प्रॉपर आप ऑफर लिखिए। लेजर हेयर रिमूवल के लेकर आप 50% ऑफ कर रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं। आपको एग्जैक्ट प्राइस लिखना है, कट करना है, क्या प्राइस ऑफर कर रहा है वो चीज मेंशन करनी है। लैंडिंग पेज पर आपको बढ़िया सॉलिड ऑफर देने हैं, तब आपको अच्छी लीड्स वहां से जनरेट होंगी। अब आ जाते हैं अपने फेसबुक ऐड पे। फेसबुक ऐड बहुत इजी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा गूगल ऐड पे ज़्यादा बजट रखो आप रेदर देन फेसबुक एड्स। फेसबुक ऐड पे भी आप चला सकते हो। पहले तो आप एक कैंपेन बनाइए जहाँ पर आपकी 4 से 5 सर्विसेज हों एक हर एक ऐड सेट में, राइट। अब आपकी एक कैंपेन आपका बन गया, उसके अंडर आपके 4 या 5 ऐड सेट हो गए, हर एक ऐड सेट में आपकी एक सर्विस है, एक ट्रीटमेंट है, उसके 3 ऐड कॉपीज होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, आपका कैंपेन 1, उसके अंदर आपका एक ऐड सेट बना हुआ है हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ट्रीटमेंट के अंदर आपका हेयर ट्रांसप्लांट की 3 ऐड कॉपीज हैं, एक आपकी हो जाती है वीडियो, एक आपकी कराउजल और एक आपकी फोटो एड कॉपी। उसके अंदर आपने एक मेडिफेशियल्स का बनाया, एक हाइड्राफेशियल का बनाया, या फिर उसी के अंडर आप बना सकते हो, दोनों सेम चीज़ें हैं। एक आपने स्किन ट्रीटमेंट्स का बनाया, एक आपने ईयर लोब रिपेयर, ये मतलब अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इन सबके साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के आप अपने जो भी टॉप 5 सर्विसेज हैं, इसके आप 5 ऐड सेट बना सकते हैं। हर ऐड सेट में एक सर्विस है, उसके 3 तरह की ऐड कॉपीज, एक कराउजल, एक फोटो, एक वीडियो। इस तरह से आपको कैंपेन सेटअप कर लेना है। आप जो भी इसमें इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो, स्किन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, आपको उसको नैरो डाउन करना है ऐसे लोगों को जो अफोर्ड कर सके। आपको लग्जरी लोग आप ऐसे कर सकते हो, जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स हैं, या फिर आपको लग्जरी ऑडियंस ढूंढनी है और आपको उसको टारगेट करना है। लास्ट में आ जाते हैं, आप एक कैंपेन और टेस्ट कर सकते हो, इंगेजमेंट एड्स व्हाट्सएप पे, कि कैसे इंगेजमेंट के एड्स चला सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप कैंपेन चलाते हो तो डायरेक्ट आपको ट्रैफिक अपने व्हाट्सएप पे मिलेगा। इसके लिए आप अपने फेसबुक पेज में जाके अपने व्हाट्सएप नंबर को
कनेक्ट कर सकते हो, एडिट बटन पर क्लिक करिएगा और बटन में आप व्हाट्सएप लगा सकते हो और फिर उसके थ्रू, यहाँ ध्यान रहे आपका व्हाट्सएप नंबर बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, और फिर इंगेजमेंट सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट जो आपका गोल है आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करके आप व्हाट्सएप एड्स रन कर सकते हो, वहाँ से भी बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट स्किन रिलेटेड आप अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है तो कैसे करना चाहिए, आपको मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। शायद इस वीडियो में कुछ मिस हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो अगर मुझसे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा इसको इम्प्रूव करने के लिए और नेक्स्ट टाइम से मैं और बेटर आपको वीडियोस डिलीवर करूँगा। अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।